नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर, जो कि 2023 और 2022 में जो कंपनी ने लॉन्च किया था, और जो 2023 में एक्टिव मॉडल निकाला है उसमें, और इसमें क्या अंतर है दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले तो बात कर लेते हैं आगे से सुपर स्प्लेंडर जो एक्टिव मॉडल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है LED लाइट, जो कि नीचे ऊपर दोनों साइड में LED लाइट मिलेगी, और उसमें LED लैंप मिल जाएगा बीच में दोस्तों, जो कि गाड़ी स्टार्ट होने पर चालू ही रहेगा। और यहाँ पर वाइज़र आपको कुछ बदलाव, वाइज़र में बदलाव देखने को मिल जाएगा, और जो पुराने सुपर स्प्लेंडर में आ रहा था वाइज़र और लाइट, इसमें जो लाल लाइट आई थी वही मिलेगी दोस्तों। और वाइज़र आपको यहाँ पर जो पहले वाला आ रहा था वही वाइज़र आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको i3s देखने को मिल रहा है पुरानी सुपर स्प्लेंडर में, और नई में भी i3s देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं यहाँ पर 3D मोनो की दोस्तों। यहाँ पर 3D मोनो, इसमें जो पहले सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ रहा था, अब यहाँ पर इसमें एक्सटेक में जो 3D में सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ रहा है दोस्तों। इसमें बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन वही जो 25cc का इंजन है, एवरेज भी गाड़ी का दोनों का सेम ही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें ओल्ड में हाफ डिजिटल मीटर आ रहा था दोस्तों यहाँ पर, जो कि टाइम और एवरेज थोड़ा बहुत बता देती है एक। और यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएगा दोस्तों, एवरेज वगैरह, टाइम, आपका मोबाइल में बैटरी कितना है सब आपको बता देगा दोस्तों। फुल डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा, और इसमें भी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर पहले से आ रहा था दोस्तों। और ये E20 में आ रहा है दोस्तों, जो एक्टेक मॉडल है E20 में आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर E20 ये 2022 में नहीं आ रहा था दोस्तों। और बात कर लेते हैं पीछे से, अब जो साइलेंसर है, साइलेंसर जो पहले जो आ रहा था वो ऐसा था दोस्तों, और जो अभी एक्सटेक में जो आ रहा है वो थोड़ा पीछे से साइज कम कर दिए दोस्तों, और पीछे से भी लुक दोनों का सेम ही है दोस्तों। और यहाँ पे जो सीट का लुक होता है वो भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, और सीट भी दोनों की बराबर ही है दोस्तों, सीट में भी कोई अंतर नहीं है दोस्तों। बाकी गाड़ी में कोई बदलाव नहीं है, इंजन वही है, इंजन इसमें E20 वाला आ गया है, इसमें E20 नहीं है। बाकी इंजन जो सीसी आता है 125cc आ रहा है दोस्तों, और बाकी इसमें कुछ बदलाव नहीं है। अगर सुपर स्प्लेंडर के बारे में कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँगा दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे वीडियो पर आए और आपने कुछ हल्की फुल्की सी जानकारी ली, धन्यवाद।